हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड का हिंदी बुक रिमझिम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कक्कू है ना, कक्कू। कक्कू का मीन्स होता है कोयल। ओके, नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते हैं इसको सक। नाम है उसका कक्कू। ओके, अब क्या नाम है? कक्कू। कक्कू का मीन्स क्या होता है? कोयल। ओके, लेकिन यह तो क्या करता है? यहाँ जो ये कोयल है ना, ये क्या करती है? ये तो दिन भर रोता है, इसलिए हम इसको चिढ़ाते हैं। और चिढ़ा कर, यहाँ पर ये बच्चा क्या कह रहा है कि इसीलिए हम इसको चिढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो दिन भर रोता रहता है, इसलिए हम इसको चिढ़ाते हैं और हम इसको सक्कू कहते हैं, है ना? और नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसा, है ना? कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भग। नाम है इसका कक्कू। कोयल का मतलब तो क्या होता है? कोयल की आवाज़ आपने सुनी है, कितनी मीठी होती है ना? मिश्री आपने खाई है, मिश्री जैसी मीठी कोयल की आवाज़ होती है ना? लेकिन ये तो क्या है, भड़क जाता है। जब भी इससे ज़रा सी मजाक करो तो कक्कू जो है वो क्या होता है? भड़क जाता है, चिढ़ जाता है, इसलिए तो कभी कभी हम इसको क्या कहते हैं? भक्कू के नाम से बुलाते हैं, है ना? जब ये चिढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? भक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ा लू को अब से, क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू, है ना? तो कक्कू कौन होता है? कोयल कौन होती है? जो गाना गाए, है ना? लेकिन ये तो क्या होता है? गाना तो नहीं गाता, लेकिन ये तो बात बात पे चिढ़ जाता है और हमेशा मुंह फुलाए रहता है। गाना जिसको जरा भी नहीं आता, कोयल तो जो गाना गाती है बहुत ही मीठी आवाज़ होती है, लेकिन ये तो झगड़ालू है ना? इसीलिए तो हम इसको क्या कहते हैं? झक्कू। जब ये चिढ़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? भड़क जाता है तो भक्कू कहते हैं, जब ये चिढ़ जाता है तो इसको झक्कू कहते हैं, क्योंकि ये झगड़ालू है ना? लेकिन नाम इसका क्या है? कक्कू, है ना? ये किसने लिखी है? रमेश चंद्र शाह, है ना? इसके कवि कौन है? रमेश चंद्र शाह। ठीक है, आपको समझ में आई? कक्कू। कक्कू कौन होता है? जो गाना गाता है ना, जिसकी आवाज़ मीठी होती है। कक्कू मतलब कोयल, है ना? लेकिन ये तो क्या है? बहुत ही सक्कू है, जो दिन भर क्या करता है? रोता रहता है ना? और जिसको जरा सी बात करते हैं, अगर कोई हंसी मजाक करते तो चिढ़ जाता है, भड़क जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? भक्कू भी इसको कहते हैं, है ना? और झक्कू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये झगड़ालू है, इसलिए कभी कभी इसको क्या कह देते हैं? झक्कू कहते हैं। ठीक है, आई समझ में आपको ये पोयम, है ना? कक्कू। ठीक है, नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। आप सभी को क्या करना है? अपना अपना नाम लिखना है और नाम का मतलब भी बताना है। जैसे मेरा नाम क्या है? सीमा, है ना? तो मेरा नाम का मतलब क्या है? सीमा। सीमा मीन्स एक निश्चित, एक लिमिटेशंस, है ना? निश्चित सीमा। ठीक है, और आपको भी इस तरह से अपने नाम का अर्थ बताना है ना? तो यहाँ पर ये आपको करना है, ये पूरा अभ्यास आपको करना है। इसका आपको आंसर भी भेज दिए जाएंगे, तो आपको करना है। अब यहाँ पर क्या है? गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को का
कि यह बात समझ में नहीं आती। मैं आप जब खेलते हैं है ना, तो क्या होता है आप गेंद को सीधा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद पता नहीं कहाँ कहाँ आपसे चली जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि गेंद की इच्छा वो जहाँ जाना चाहे वहाँ चली जाती है। अब नामों की रैल, यहाँ पर पांच पांच बच्चों की टोली बना लो, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे में लिखो, है ना। अब अपने ये नाम की क्या है, ये नाम की रेल है, अपने अपने नाम लिखो यहाँ पर, ठीक है।